अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं, तो वीडियो के साथ साथ रहना है। इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और जो चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब्जियों की वो बहुत प्यारी है, और सूरज माशाल्लाह निकला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी हम बाहर आए हुए हैं क्योंकि इस टाइम जो नमी होती है बाहर, और जो सब्ज़ियाँ खूबसूरत लगती हैं वो दिन में नहीं लगती। इस वजह से हमने कहा कि अपना व्लॉग भी बाहर से शुरू कर लें, और आज पूरे दिन में हम क्या क्या काम करेंगे वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये नहीं पता कि कब तक वीडियो बने, क्योंकि आजकल हम वीडियो थोड़ा लंबी बनाते हैं, तो इस वजह से। तो अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, मैंने कहा बाद में जा चुकी हूँ। ये नमी दिखाई कितनी ज़्यादा पड़ी है नमी। आपको मुबारक हो, हमारा साग तैयार हो गया, जब चाहें आप। नहीं, अब नहीं खाना था। मैं बीमार हो गई थी पहले, साग शौक से खाया। नहीं, बीमार हो गई है। वो आपकी बात सही है, लेकिन वो साग तो हम दूसरों से तोड़ के आए थे ना, ठीक है ना, दूसरों की जमीनों से। तो ये अपना साग है, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज टहनियां भी निकल आई हैं और सरसों के फूल भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं। जी जी, ये बुंग रहे हैं सारे, और बुंगरे जो हमारे हैं इनके भी फूल निकल रहे हैं। आज इनको पानी थोड़ा लगाएंगे इंशाल्लाह। ये मूलियां हैं, मूलियां अभी छोटी हैं, अभी बिल्कुल छोटी हैं। और बुंगरे का ये जो फूल है ना, ये देखें, ये देखें, ये अभी निकल रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ग्रीन ग्रीन हमारी सब्जी हो रही है। बाकी जो रहती है ना हमारी सब्जी, वो इंशाल्लाह आज बीज लेके आ रहे हैं, घास वगैरह निकाल के ना इसको साफ करके फिर इंशाल्लाह लगाएंगे। वो इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं हुई क्या सब्जी? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, आज गोडी करके ना मजीद सब्जियां लगाते आज हैं। क्या दिन, आज क्या दिन है? दिन को क्या देखना है? नहीं, पानी मीठा आएगा ना? नहीं नहीं आता, अभी देर है पानी को। अभी अभी हम चाय बना रहे हैं, चाय ताज़ा ताज़ा फ्रेश थी। थोड़ी डालो फिर, ऐसा है ना, फिर बाद में डाल देंगे, कोई बात नहीं। ज्यादा पत्ती फिर आप हल्का होता किसका? पत्ती का वाइटल पत्ती है, इसका कलर कैसे हल्का होता है? ये सर्दी आ रही है ना, सर्दी आ रही है, ये सही हो जाएगा। तो आज आप नहाए धोए नहीं? नहीं, आज मैं आज काम कर रहा हूँ। गमले बढ़ाओ, पानी लाओ, ऐसा रखा। अच्छा, चले ऐसा ही करते हैं। बिस्मिल्लाह करे, सट दो दाल च पानी। हम कहते हैं, हम जब कोई काम करना हो ना, जब वो कोई काम ना हो रहा हो, ना हो रहा हो, जल्दी जल्दी करना हो, तो हम बोलते हैं सट दो दाल च पानी। तो सट्टो दाल च पानी, मतलब दाल पकाना आसान होता है ना, तो बस कुछ समझ जब ना आ रही हो ना किसी काम की, तो सट्टो दाल में पानी। आज आप तेजी में काम लगा रहे हैं। जी जी जनाब, पहले बताओ, करो फिर तो बताओ। क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो कमरा भी देखेगा। अच्छा, किचन देखो क्या हाल हो गया। नहीं, नहीं, ये वाला काम नहीं हो सकता सर आज। क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूँ, मोटर नहीं चलेगी, मोटर को सेट करने दो।
ठीक है ना, चलेगी, फिर इंशा अल्लाह। नहीं अभी नहीं, धूप में। चलो खैर है। वैसे चाय तैयार हो चुकी है, खाए ना। हाँ ये कितने बड़कारे आ चुके हैं, 125 125 बड़कारे आ चुके हैं चाय को। चाय का कलर खुद देखो कितना प्यारा है, इसको हम बोलते हैं मुल्तानी चाय, मुल्तानी कड़क चाय, जल्ला रही की मशहूर चाय, ये भी आप बोल सकते हैं क्योंकि हमारा वल्लज जो है ना जल्ला रही है ना, ये देखें वाओ। मसरूफियत रही है जिसकी वजह से जो है ना पौधों को पानी नहीं लगा सके, तो आज हमने कहा चलो पौधों को पानी लगा दें, ये देखें, क्योंकि ऊपर से ये देखें इतनी वो है ना धुंध शुंध और बादल वगैरह आए हुए हैं, इस वजह से पानी नहीं चल रहा था सप्लाई वाला, इस वजह से हमने ये वाला लगा दिया। अब माशाल्लाह से हमारे पौधे बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, इन सब पौधों को आज पानी लगाना है और इसके अलावा इन गमलों को आज बनाना है, मिट्टी डालने की वजह से ना ये सारी जगह ख़राब हो गई है। और जनाब से मैंने कहा है कि आप मुझे लकड़ी काट के दो, मैं तंग हो रही हूँ। जी जनाब क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठीक हाल है? आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी हाँ जी हाँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं बस यही घर जो बन रही है। हाँ ये देखो थोड़े थोड़े पीछे से आज धुंध है पता है आपको, ये देखें मौसम ठीक है आज। साबरा आपसे एक फरमाइश करनी है मैंने, मैं चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों को भी पता चले इस बात का कि आप जो है ना मूडी लिहाज से किस तरह हो, मतलब आपका मूड किस तरह का है। तो साबरा जी सुबह सुबह आज दरख्तों को, आज हम जो है ना हमारा हमारा तू तो 2-3 घंटे का जो है ना हमारा यहाँ पे आज काम है, इंशाल्लाह करेंगे। मैंने कुछ लकड़ी बना ली है, साबरा कहती है मैं पौधों को नहलाती हूँ, ये देखें। चलो मैंने कहा आप ऐसा ही करो। अच्छा साबरा दो किस्म के मूड मेरी वाइफ के हैं, वो आज आप बहन भाइयों को मैं दिखाना चाहता हूँ, तीसरा मूड नहीं आता। मैंने कहा साबरा आप मासूम बन के अपना चेहरा तो दिखाओ, कहती है मुझे पता नहीं चलता ये मासूम किस तरह बनते हैं। अभी मैंने कहा फिर ऐसा बात सुनो बात सुनो, मैंने कहा फिर गुस्सा करके दिखाओ, कहती है हाँ वो मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा हंस के दिखाओ। दो काम इसे आते हैं, दो मूड बनाना, एक फुल गुस्सा करना और एक जो है ना स्माइल करना, फुल स्माइल करना, ये दो चीज़ें आती हैं। अच्छा गुस्सा करो के दिखाओ, देखो गुस्से में ये ऐसे नज़र आती है, आप देख लें बहन भाई। अच्छा खेल दे दिखा, ये स्माइल में इस तरह नज़र आती है। ये दो मूड बनाती है, मासूमियत वगैरह वाले और ये इधर उधर के जो होते हैं ना सीन, ये नहीं बनाती, पता नहीं क्या मसला है। मासूम कैसे होते हैं? ऐसे तो होते हैं मासूम तो। अच्छा ये तो फिर कमेंट सेक्शन में बहन भाई बताएंगे कि साबरा मासूम है या नहीं है। मतलब वो झगड़ेलू किस्म के हूं या मासूम हूं? वैसे शक्ल से आप झगड़ेलू लगती है। आप बस बातें बनाते हो मेरे ऊपर। अच्छा चलो खुश रहो। चलें जी, कोई रोटी पानी का इंतजाम है क्या? नहीं अगर दिल हो पका जदा वाल बाजी को सड़े ने बाजरी हाना को। चलो ओके कर, चलो सारे जंगले भी चेक करो, ये जंगला ही चेक करो। तो अभी आटा गूंद रहे हैं और मैंने इनसे कहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, मैंने इनसे कहा है वो मुझे पाइप दे दो। अच्छा पानी बाद में लगा लेना। ओ जनाब जनाब मेरा किचन खराब हो गया है। ओ जनाब मैडम जी मेरी बात तो सुनो, सर जी मेरी बात तो सुनो, सिर्फ 15 से 20 मिनट आप वेट कर जाए। वैसे आप बहुत अच्छे हो। अच्छा बहुत ख्याल रखते हो। अच्छा हर बात मानते हो, कभी कभी इतना गुस्सा दिला दो। अच्छा कोई चीज उठा के आपके सर पे दे मार, इतना कभी कभी गुस्सा आता है। अच्छा मुझ पे इतना गुस्सा? नहीं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। नहीं आप जितना भी मर्जी है कर लो गुस्सा, मैंने कभी आपको कोई बात की है ये बता दो बस। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं।
बात मेरी आप मान लेते हो, मुझे और क्या चाहिए, हर हर बात मान लेते हो। थैंक यू वेरी मच। एक बीवी के लिए यही बहुत कुछ होता है उसका मियाँ जी, उसकी हर बात माने, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे जी, उसके दुख सुख में उसका साथ दे। बिल्कुल, और क्या चाहिए होता है, कुछ भी नहीं होता। नहीं जानी है। नहीं मेरी जान, मैं जो है ना सिर्फ दुख सुख में भी साथ नहीं देता, मैं हर सुख में आपका साथ देता हूँ। उल्टी बातें कर रहे, उल्टी, ठीक है, और हर दुख में आपके साथ देता हूँ, और जो आप कहती हो जनाब, ठीक है, वो करता हूँ। सिर्फ मुझ में देखे, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये एक इनाम मिला है, यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पोटेंशियल है सब्र करने की, ये किसी की सोच होगी। जब कोई किसी के मुखालिफ या अगेंस्ट बात करता है ना, जब अगला बंदा कोई सब्र नहीं दिखाता ना, तब लड़ाई होती है। देखे, दैट इज़ नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई सेकेंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना। आप मेरी फर्स्ट बीवी नहीं हो, आप मेरी सेकेंड बीवी हो। ये बात होती है कदर करने की। देखें, अगर आपने मुझे फ्रेंडली पाया एक साल में, ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं। मैंने एक साल में कभी मेरा दिल नहीं किया कि मैं इस घर से कहीं और जाऊं, मतलब अम्मी के घर जाऊं, या अम्मी मुझे कल भी कह कह के चले गए कि कुछ दिन के लिए तो हमारे पास आके रहो, आपके अबू भी कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मुझे नींद ही नहीं आती है वहाँ पे, मेरी आदत ही नहीं है। अब ये देख लें जी, आप बहन भाइयों के सामने हैं, मैंने कभी इसको नहीं रोका कि आप अम्मी के घर जाके ना रहें, यकीन करे अपने। अक्सर बहन भाई सोचते जरूर होंगे कि आपकी अम्मी आती तो आप कभी वीडियो में, तो असल बात यह है कि कभी भी जिंदगी में वो किसी भी मोड़ पे वीडियो में नहीं आना चाहती हैं जी, तो ये हमारी मजबूरी है, वरना हम आप लोगों से जरूर उनकी गपशप लगवा। वैसे मैंने साबरा को इजाजत दी है, मैंने साबरा को बोला है, मैंने कहा अगर आप अम्मी के घर, अम्मी से कहा था, वो कहते इस सिचुएशन में जाना चाहती हो तो जाओ, कोई मसला नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो साबरा ने खुद ही अम्मी जान को इनकार किया कि मुझे फिर जो है ना वहाँ पे नींद नहीं आएगी, ये पता नहीं अब इसको पता। हाँ, आदत नहीं है ना। सही है, चले अल्लाह खैर कर दे करे। बहरहाल मुझे आपने जो है ना थोड़ा बहुत मायूस किया है, मायूस किया है आपने थोड़ा बहुत, अगर बुरी लगी कोई बात है सॉरी, मायूस किया है। मेरी दूसरी बीवी ने भी थोड़ा बहुत मुझे मायूस किया है। क्या मतलब इस बात, वैसे गपशप लगा रहा हूँ, इधर देखो, इसका मतलब तो ये हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, कि आप पहले भी, मैं मजाक कर रहा हूँ, पहले भी से खुश थे, मुझसे ना खुश। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें जी, आने से ती जनाब ने रिधा पका शुरू कर दिया है। देखो कर, देखो रही चले साबरा, ये क्या मजाक है, ये क्या कर रही हो, ये रोज ही मैले हो जाते हैं, बस एक दिन के बाद मैले हो जाते हैं। समझा समझा के पता नहीं आपकी अक्ल घास चरने के लिए गई हुई है साबरा, और खुदा का नाम लो, छोड़ दो इन चीज़ों को, छोड़ दो। ये देखें जी, ये आज नया काम इसने शुरू कर दिया, तकियों में से ये निकाल दिए हैं, कहती है मैं धोती हूँ। ये अल्लाह की बंदी, 15-20 दिन तो सब्र कर जाओ। थोड़ा एक्सरसाइज यही है कि तकिए धो लो, जरूरी काम नहीं है ये, काम करो, एक जरूरी काम होता है, मजबूरी वाला काम होता है, चलो बंदा थोड़ा बहुत कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही काम शुरू कर दो। आप मुझे बताओ, आप मुझे वो दे रहे हो, धो रही हो कमरा, क्यों आज ना धो, मैं ऊपर से सारे जाले वगैरह मैंने साफ कर दिए। कौन से जाले हैं जो ऊपर एक दिन के बाद चढ़ जाते हैं। चलो वीडियो को तो खत्म करो, फिर देखते हैं, मैं पाइप ले आता हूँ, मैं दरख्तों को पानी लगा लूँ। चलें जी, वीडियो को ये पैक करते हैं, अपना डेजर का रखना है, दोनों याद रखना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हमारे नए चैनल की वीडियो को जरूर विजिट किया करें प्लीज, पाक विलेज कुकिंग के नाम से जो चैनल है उस पे सर्च करके जरूर सेकंड वीडियो को देखा करें, वो जबरदस्त और कमाल विलाग आप बहन भाइयों के लिए हम लाते हैं। बहुत शुक्रिया।